सक्सेसफुल लोग आज इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं भाई माइक पे बहुत थूका रहे मैंने, कोई बात नहीं। बचपन में ना मैं बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करता था। पाउडर का डब्बा लेता था, फिर ग्लास में पानी लेता था, फिर पाउडर ऐसे ग्लास में डालता था, उसके अंदर नींबू डालता था, नींबू के अंदर मेकअप डालता था, मेकअप के अंदर पकड़ लो 4-5 बिस्किट डालता था, बिस्किट के अंदर और कुछ भी पकड़ लो कोकम शरबत डालता था, ये सबको ऐसा मिक्सचर करके जाके अज्जी को देता था और बोलता था कि नहीं पीने को नहीं देता था अज्जी को, बस अज्जी के ऐसे पास लेके जाता था और बोलता था अज्जी देखो आपके लिए जूस बनाया है, और फिर बोलता था नहीं 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 पीना मत, एक्सपेरिमेंट कर रहा था। सो ये बंदा भाविक एक्सपेरिमेंट ऑफिशियल, ये भी सेम चीजें करता है इंस्टाग्राम पे, एंड मेरे को बहुत फनी लगा ये बंदा। मैं भी बहुत सारी अतरंगी चीजें बनाता था बचपन में, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैंने आयरन मैन का हाथ बनाया है बचपन में, बहुत सारी चीजें हैं। सो आज हम लोग इस पे रिएक्ट करने वाले हैं। घोड़बंदर महाराष्ट्र, ये भाविक तो मराठी माहिती ना मराठी है का, बट ये साइंस टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग कर रहा है। ओ मैंने भी साइंस टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग ही किया है। ओके चलो ये वाला वीडियो देखते हैं। होममेड प्रोजेक्ट मेड फॉर ब्लाइंड पीपल, ओ डिटेक्शन होता है, ओ ये अच्छा चीज बना है इसने एक्चुअली। इसके कमेंट सेक्शन बहुत फनी होता है। डे 15 ऑफ आस्किंग फॉर एन ओमनीट्रिक्स, ये बंदा बेंटन है, ये एक दिन ओमनीट्रिक्स बनाया। ये देखते हैं ये क्या है, होममेड इलेक्ट्रिक स्क्रबर मशीन, व्हाट। ये कमेंट देखो यार, भाई तेरा बाप मारता नहीं क्या तुझे। ब्रो इज अ डेंजर फॉर AI, प्लेट साफ और किचन गंदा हो गया। इलेक्ट्रिक स्क्रबर है, इस पे साबुन लगाएगा। ओके साबुन से प्लेट साफ कर रहा है, अच्छा एक्सपेरिमेंट है ये। मतलब मैं बता रहा हूँ, मेरे पापा ने सब कुछ देखा ना, नेक्स्ट दिन से सब कुछ एक एक बनाना चालू करेंगे। क्यों लोग इसको कमेंट्स में रोज कर, मेरे को समझ ही नहीं था भाई, इंटरनेट बंद करके अपलोड किया करो। क्यों इतना अच्छा बना रहा है। कल बना इसने होममेड मिनी इलेक्ट्रिक स्कूटर, अल्लाह मेरे पापा ने ना अब तक 2-3 इलेक्ट्रिक स्कूटर्स बनाया है, तो देखते ये कैसा है। गाइज 5 लाख लाइक्स और मेरे पापा और इसका कोलैब करेंगे। होममेड ऑटोमेटिक कोल्ड ड्रिंक बॉटल, ऑटोमेटिक कोल्ड ड्रिंक बॉटल, ये क्या होता है, ये नल है, नल जैसे कुछ तो बनाया इसने। ये मोटर है नीचे, एंड आई थिंक ये मोटर, ये चलता है कैसा, मतलब अगर हमने मोटर लिया और मोटर को बाटली के अंदर डाला तो कोल्ड ड्रिंक खराब नहीं होगा। ये क्या है। वापस इधर सेम कमेंट है, भाई तेरा बाप तेरे को मारता नहीं है। फनी। ओके क्या करता है मशीन, नाइस नाइस नाइस। होममेड ऑटोमेटिक नमस्ते मशीन, व्हाट, ऑटोमेटिक नमस्ते मशीन क्या हो सकता है, क्या है। ओके व्हाट, कुछ भी। ये वो होता है मालूम है, टोल नाके पे गाड़ी रोकने के लिए जो होता है, वो इंसानों के लिए बनाया इसने। नमस्ते कौन सा एंगल से, वो अच्छा वो ऐसे नमस्ते है क्या भाई। डोरेमोन से प्लीज कभी मिल मत जिंदगी में, डोरेमोन मर जाएगा। नहीं नहीं अच्छा बनाता है, मेरे को मालूम नहीं लोग इतना उसको रोस्ट क्यों कर रहे कमेंट्स में। थॉमस एल्वा सब्ट्रैक्शन। भाई तो एक बार अश्नीर ग्रोवर से मिल ले, अच्छी फंडिंग मिल जाएगी। पावर ऑफ होममेड पेट्रोल इंजन साइकिल, मेरे पापा अगर ये वीडियो देख रहे हैं ना, इन्होंने भी बनाया मेरे पापा ने, साइकिल के अंदर इलेक्ट्रिक मोटर या कुछ तो डाला था उन्होंने। खतरनाक है रे ये, एक्चुअली खतरनाक है, मतलब इसको बनने को दिमाग बहुत है यार। लाइक आई कैन इमेजिन बड़ा होके ये इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट साइंटिस्ट बनेगा। 20 साल के अंदर ये बंदा ओमनीट्रिक्स का इन्वेंशन करेगा, देखो तुम लोग हंस रहे हो उस पर अभी, 20 साल बाद ये जब एलियन बन के तुम्हें परेशान करेगा ना कमेंट वाले लोगों को, तब समझेगा तुमको। ये क्या है, हेलमेट, होममेड हेलमेट वाइपर, ब्रो डिजर्व्स अ स्टैंडिंग ओवेशन। ये प्रोजेक्ट पक्का मेरे पापा को पसंद आएगा, क्योंकि पिछले 10 साल से पापा मेरे को आइडिया दे रहे हैं कि क्यों ना हम लोग एक सनग्लासेस बनाते हैं जिसमें वाइपर होगा, ताकि बारिश में जब चश्मा पहनने वाले लोग होते हैं उनको दिक्कत होती होगी हर बार रुमाल से साफ करने को, तो चश्मा विद वाइपर, तो ये मेरे पापा को बहुत पसंद आएगा। बट एक इसमें एक दिक्कत है कि बाइक चलाते वक्त अगर ये ऐसे बीच में हुआ तो पक्का बाइक ठुकने वाली है। होममेड पोर्टेबल वॉशिंग मशीन, व्हाट, ये बंदे ने वॉशिंग मशीन बनाया खुद का, LG सैमसंग, नया इंजीनियर आपको अगर हायर करना है तो। खतरनाक बंदा है, खतरनाक बंदा है, सलाम।
साबुन डालना भूल गया क्या ये? आई डोंट नो, ये कमेंट देखो, साला रुमाल भी नहीं धुला। Oh shit, this washing machine washes water. Bro passed out from IIT Dholakpur. You have hidden talent, please keep it hidden. Bro is Newton's fourth law of loose motion. Bro washed water. बंदा मस्त है यार, क्यों bro? I don't even understand कि इसको इतना roast क्यों कर रहे हैं। Genuinely मेरे को पसंद आ रहा है इसके videos. Homemade futuristic project for rain. अच्छा बारिश के वक्त देखते हैं क्या invention किया इसने। क्या क्यों व्हाट आई मीन अगर एक ऑटोमेटिक छाता बना जो मेरे पूरे बॉडी को कवर किया तो आई अंडरस्टैंड, पर इस चीज से इस मेरे हाथ भीगने वाले हैं सिर्फ। आई थिंक आई डोंट नो, मतलब मेरा बैग भी भीगने वाला है। मेरे सिर्फ ये इतना चेहरा पे बारिश नहीं होगा, बाकी पूरा बॉडी मस्त भीग के निकलने वाला है। तो ये क्यों बनाया तूने? होम मेड हेड मसाज मशीन प्रोजेक्ट। डर लग रहा है देखने को। मैं ये जो चीज है ना वो कीड़े जैसे दिख रही है, मतलब एक बड़ा कीड़ा कार्डबोर्ड से बना हुआ। डूड वो हिल रहा है, वो चीज हिल रहा है। भाविक आई होप तू ये वीडियो देख रहा है। मेरे लिए प्लीज, मेरे लिए एक चीज बना, ऑटोमेटिक सब्सक्राइब बटन बना मेरे लिए। बस क्या करना चाहिए मालूम? मैं सिंपल बताता हूँ। फोन मशीन के नीचे फोन रखने का, मशीन पे ऐसा हाथ आना चाहिए, फिंगर होना चाहिए, वो ऑटोमेटिकली सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करेगा। ऐसा कुछ तो बना। तू सुपर टैलेंटेड इंसान है, आई नो तू ये बना सकता है। ये क्या है? फोन है क्या? होममेड पावरफुल पोर्टेबल कूलिंग फैन। कूलिंग फैन पोर्टेबल वाले तो आजकल मिलते हैं, लेकिन इसने क्या ये क्या बनाया? ग्राफिक कार्ड यूज किया इसने? ओ भाई यार, मेरे नाक को हवा देने के लिए क्या? ये देखो इसने कुछ तो बनाया है। होममेड फैन अम्ब्रेला। फैन अम्ब्रेला व्हाट? ये अच्छा एक्चुअली नहीं, अच्छा नहीं है एक्चुअली। बारिश में चलते चलते किस इंसान को हवा चाहिए होगी और क्यों चाहिए होगी? हाँ बट इसका अलग यूज केस है। कभी कभी लोग धूप में भी अम्ब्रेला यूज करते, तब भी 100% इसका यूज केस है। इसके हर वीडियो पे ये कमेंट है यार, भाई तेरा बाप तुझे बेल्ट से मारता नहीं है क्या? ये क्या है? होममेड ऑटोमेटिक डस्टबिन फॉर वेजिटेबल वेस्ट। ऑटोमेटिक डस्टबिन क्या होता है? मतलब कचरे को जला डालता है क्या? करता है या फिर खुद जाके कचरा उठाता है? ये मिर्ची है उसके हाथ में शायद। डैम ब्रो डैम, दिस इज टू गुड, दिस इज एक्चुअली टू गुड। झूठ नहीं बोलूंगा, ये एक्चुअली बहुत अच्छा है, क्योंकि उसने क्या किया मालूम है? ये मशीन के अंदर यहाँ पे एक कैमरा लगाया है, एंड उस कैमरा में से वेजिटेबल या फिर हार्ट डिटेक्ट हो रहा है, मोशन सेंसर, एंड वो चीज डायरेक्टली अंदर जा रही है। खतरनाक है भाई तू। होममेड इलेक्ट्रिक डस्ट क्लीनिंग मशीन। डस्ट क्लीनिंग मशीन क्या डस्ट क्लीन हो रहा है इससे? मुझे बताओ क्या डस्ट क्लीन हो रहा है? आई मीन ज्यादा से ज्यादा दीवार पे जो कीड़े हैं, मच्छर है, मक्खी है, वो उड़ जाएगी और कुछ नहीं। भाई दीवार को गुदगुदी कर रहा है। देखो वापस कमेंट, भाई तेरा बाप तेरे को मारता नहीं। होममेड फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट, व्हाट इज दिस? ये आयरन मैन है क्या? क्या है ये? ओके जो भी लोग इसका मजाक उड़ा रहे हैं, ऑल द बेस्ट। इमेजिन करो आप इसका मजाक उड़ा रहे हो, कमेंट्स में मजाक उड़ाओ इसका। इसके सामने उड़ा सकते हो मजाक? आएगा ये सामने ये लेके फिर? हाँ होममेड वायरलेस मिक्सर ग्राइंडर, ये भी मेरे पापा ने बनाया था। कुछ नहीं, मिक्सर लिया हमारा पुराना वाला जो मैनुअल वाला होता है ऐसे कुछ, तो और उसके अंदर मोटर डाल दिया पापा ने, तो उसमें मम्मी भाजी काटती है। वायरलेस मिक्सर, ओ अच्छा बैटरी ऑपरेटेड मिक्सर। इमेजिन करो आप स्कूल ट्रिप पे जा रहे हो, बस में, स्कूल बस में, एंड आपको भाजी कट करने का है, तो इसकी जरूरत पड़ सकती है। ये क्या है भाई? बाबा होममेड फायर गन मेड फॉर दिवाली। फायर गन भाई, मैं आग के साथ कभी नहीं खेलूंगा। मैं इस बंदे से दूर रह रहा हूँ। लेकिन अगर इस वीडियो को 500,000 लाइक्स आए तो मैं इसके साथ कोलैब कर रहा हूँ। आई थिंक मुझे इंडिया का इलॉन मस्क मिल चुका है। 20 साल, बस 20 साल असली ओमनीट्रिक्स का जन्म होने वाला है। तुम लोग 20 साल बाद देखोगे, बंदा आएगा इंस्टाग्राम पे, होममेड ओमनीट्रिक्स। एनीवे आज के लिए बस हो गया। आई होप तुम लोग को ये वीडियो पसंद आएगा, पसंद है तो लाइक करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, और मैं मिलता हूं तुम लोग अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।